माँ जी आप किसका फॉर्म जमा कराने आई? बेटी का जमा कराने। बेटियां भी करेंगे, बेटे भी करेंगे। मतलब बेटियां, बेटियां ना भी, बेटियां ना भी होना जरूरी है। जरूरी है, उन्होंने पढ़ा लिखा के काम आया गया। आसान लाइफ जो है वो बंदे को मजबूत नहीं बनाती। कोई कमी पेशी नहीं, जो होगा वो एक अलग टीम स्क्रूटिंग की बैठी है वो करेगी। नाज़रीन आपने देखा, एंकर हो या ना हो, कोई आम बंदा हो या ख़ास बंदा हो, इस लाइन में घुसने से पहले हर बंदे की तलाशी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइन किला गुज्जर सिंह पंजाब की सबसे बड़ी पुलिस लाइन है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पुलिस लॉ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बख्त। नाज़रीन, जो कॉन्स्टेबल्स हैं वो पंजाब पुलिस में या पुलिस के डिपार्टमेंट में एक रीढ़ की हड्डी, बैकबोन की हैसियत रखते हैं। पंजाब पुलिस में एक बहुत बड़े पैमाने पर कॉन्स्टेबलान की जो हमारे पास भर्ती है उसको शुरू किया गया। अभी मैं किला गुजर सिंह में मौजूद हूँ और मैं देख सकता हूँ कि अवाम कितनी ख्वाहिशमंद है पुलिस के इस प्रोफेशन को बतौर कॉन्स्टेबल ज्वाइन करने को, क्योंकि यही वो नौजवान है तो कल जाके गली चौराहों पर आपकी हिफाजत के लिए मौजूद होंगे। इनसे बात करेंगे और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो DSP साहब हैं जो इस सारे प्रोसेस को देख रहे हैं उनसे पूछेंगे कि गाइडलाइंस क्या है, हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करना है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किधर आए हुए आज आप, इतनी धूप में क्या कर रहे हैं? सर पंजाब पुलिस में भर्ती आई है तो इसीलिए आए थे। कितनी तालीम है आपकी? सर मैट्रिक है। यार कोई और काम करते, क्यों पंजाब पुलिस ही क्यों? सर ये जो पंजाब पुलिस है ना सर, महकमा बहुत अच्छा है। अच्छा, आप तो ये शौक है हमारा, कौम की खिदमत करना। हाँ, चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर 2 घंटे मजीद बारी ना है तो धूप में बैठेंगे? सर 2 घंटे क्या, 4 घंटे बैठेंगे। गुड लक टू यू। बैठे जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये जो लड़के, यंग ब्लड है हमारी कौम का, ये कितना पैशनेट है इस कौम को सर्व करने के लिए, पंजाब पुलिस को सर्व करने के लिए। ये सारे नौजवान, ये वही नौजवान है। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है जी आपका? ठीक ठाक सर। क्या आप आज भर्ती करने के लिए आए हैं यहाँ पे? क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? MBA। MBA किया हुआ आपने, तो क्यों अपनी कौम को सर्व करना चाह रहे हैं आप? सर हर जगह अप्लाई करते हैं सर, लेकिन सीट नहीं मिलती। उम्मीद है इंशाल्लाह होगी, कौम को सर्व करने का पैशन है जी सर। इस नौकरी के बाद, इस ड्यूटी पे आने के बाद नाकों में भी खड़ा होना पड़ सकता है, प्रोटेस्ट के मुजाहिरीन के साथ भी जाना पड़ सकता है, ईंटें पत्थर भी पड़ सकती हैं मुजाहिरीन से, कुछ भी हो सकता है, और इवन दो बंदा जान से भी जा सकता है, शहादत भी मिल सकती है। रेडी है इस चीज़ के लिए? यस सर। अच्छा MBA किया, एज ज़्यादा तो नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने एज तो 18 से 22 साल रखी है। सर मेरी 20 ईयर है। कौम अपनी कौम को सर्व करेंगे हर हालात में। नाज़रीन ये देखें, एक नौजवान जिसने MBA किया हुआ है और वो कोई भी इसके अलावा भी जॉब कर सकते थे, लेकिन उनका जो पैशन है वो पंजाब पुलिस को सर्व करने का, और वो रेडी हैं हर किस्म के हालात के लिए, क्योंकि पुलिस की जो जॉब है एक तरफ वो थैंकलेस है और दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी थ्रेट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। आपने बहुत ज़्यादा काम करना होता है, आपकी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो एक्सटेंडेड ड्यूटी आवर्स हैं। नॉर्मल टाइमिंग्स 8 से तकरीबन 8 घंटे होती है, लेकिन इनकी टाइमिंग्स 8 से 12, 12 से 16 घंटे भी हो सकते हैं, और इवन दो पूरा दिन भी हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई सिचुएशन हो। नाज़रीन इनसे और भी बात करेंगे, आइए मेरे साथ। एक और नौजवान उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है जो लाहौर पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबूबकर। अबूबकर भाई आपकी क्या एज है? सर मेरी 19 ईयर एज है। पुलिस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर पुलिस मीन्स के हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क की फादर कर सकें, जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं जिनकी हम मदद कर सकें, उनको तरीकाकार ज़िंदगी का। अगर खुदा ना खासा, खुदा ना खासा अबूबकर ना हो पाए इस मरतबा, क्या अबूबकर अगली मरतबा अप्लाई करेंगे? जी जी सर, उम्मीद के साथ दुनिया कायम है, अगर हम इस दफ़ा नहीं हो सकते तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह। गुड लक अबूबकर, गुड लक। नाज़रीन ये देखें उसका हौसला, वो कहते हैं अगर इस मरतबा ना हो सके तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी करेगा। एक पैशन है, पैशन टू सर्व द नेशन, पैशन टू सर्व द कम्युनिटी, ये उसमें बड़ा नज़र आ रहा है और ये तमाम इन नौजवानों में नज़र आएगा, और ये ट्रेनिंग के बाद मजीद निखर के सामने आएगा जब ये फील्ड में काम करेगा। आइए हमारे साथ फीमेल हमारी जो कॉन्स्टेबल के लिए उम्मीदवार आना है उनसे बात करते हैं। फीमेल्स भी पंजाब पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे लड़के, हमारे नौजवान, हमारी कौम के नौजवान तो पैशनेट हैं, लेकिन हमारी बेटियां, हमारी बहनें कितनी ज़्यादा पैशनेट हैं अपनी कौम को सर्व करने के लिए। आइए देखते हैं लाहौर की ये बेटियां, लाहौर के डोमिसाइल रखने वाली ये बेटियां, ये कितनी सर्व करना चाहती हैं अपनी नेशन को, इनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ एक फीमेल कैंडिडेट मौजूद है उनसे, तो क्यों पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निमरा। निमरा आप पुलिस ही को क्यों ज्वाइन करना चाह रही हैं?
मुझे ये पेशा बहुत अच्छा लगता है, इसमें हम पाकिस्तान को बहुत सी सर्विस दे सकते हैं, हमें पता चलना चाहिए कि हम पाकिस्तानी क्यों हैं। अच्छा निमरा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो पुलिस की जो आप जॉब ज्वाइन करना चाह रही हैं, ये फिजिकली बड़ी एक टफ होगी, आपको कहीं ना कहीं मुजाहिरीन के सामने जाना पड़ सकता है, कोई ऐसी ड्यूटी होगी है, कहीं कोर्ट में जाना पड़ गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, थाने में जाना पड़ गया, रेड में जाना पड़ गया, तो फिर क्या करेंगी आप? देखिए ये पेशा ही ऐसा है, इसमें जाना पड़ेगा, अगर कोई इसमें आता है तो उसको फुल तैयार होकर आना चाहिए, हम नहीं तो कौन, मतलब बिल्कुल ऐसी बात है। नाज़रीन ये हमारी बेटियों का, ये हमारी बहनों का पैशन है। नाज़रीन जहाँ पे ये जो बेटियाँ, ये बहनें, ये जो पंजाब पुलिस में भर्ती की ख्वाहिशमंद हैं, जहाँ पे वो फॉर्म ले रही हैं, कुछ जो हमारी फीमेल्स हैं वो बैठ के, वो जो हमारी उम्मीदवारान हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो बैठ के उन फॉर्म्स को फिल कर रही हैं ताकि इनको टाइमली जमा करा सकें। आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन मेरे साथ ये मुझे नज़र आ रही हैं, एक जो कैंडिडेट हैं वो बैठ के फिल कर रही हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अतीका नसरीन। अतीका, आप फॉर्म इतनी गर्मी में बैठ के फिल कर रही हैं, क्या पैशन है जिसने आपको पुश किया कि आप फॉर्म जमा करें, और इतनी आप ये ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए शायद आप भर्ती होना चाह रही हैं, क्या पैशन है आपका? मैं जो हूँ बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ, और जो है मैं अपनी स्टडी के लिए जो हूँ कंप्लीट करने के लिए लाहौर आई हुई हूँ, तो फिर यहाँ के कवानीन और लोगों का रश और ट्रैफिक के कवानीन को लोगों का ना फॉलो करना, इस चीज़ को देखते हुए जो है हमारे मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत है और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक की ड्यूटी, मैडम तो बहुत निमरा बहुत सख्त होने जा रही है ट्रैफिक की ड्यूटी, क्योंकि जो थाने की जो दूसरी कॉन्स्टेबल होंगी वो कहीं ना कहीं वो थाने में सर्व करेंगी, आपने रहना भी रोड पर है, आप मेंटली प्रिपेयर हैं? जी मैं प्रिपेयर हूँ, क्योंकि जो है आसान लाइफ जो है वो बंदे को मजबूत नहीं बनाती मेरे ख्याल से, तो जितना हम लोग स्ट्रगल करेंगे, सख्त मेहनत करेंगे, हम उतने ही मजबूत होंगे और हमारी आने वाली जो लाइफ है और हमारी जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा कि हमारी जो लड़कियाँ, हमारी कौम की माएँ बहनें हैं, वो चाहती हैं कि टफ़ टाइम मिले ताकि वो निखर सकें, और वो ये कह रही हैं, और ये पहली हमारे पास कैंडिडेट हैं जो ये कह रही हैं कि लाहौर की जो सिचुएशन, ट्रैफिक की सिचुएशन है, लोग कभी कभी फॉलो नहीं कर पाते, मोस्टली कंप्लाइंस तो मौजूद है लाहौर में, लेकिन उसके पेश नज़र वो कहती हैं कि मैंने जो नॉन कंप्लाइंस देखी है, चीज़ों को कंप्लाइंस नहीं किया जा रहा, मेरे में पैशन है, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। नाज़रीन ये एक ऐसी कैंडिडेट थी हमारे पास, अभी हमारे पास कुछ और भी कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं, इन्हीं के साथ एक कैंडिडेट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? आयशा। कहाँ से हैं आप? लाहौर से। क्या एज है आपकी? 21। ये जो अभी तो सबसे पहले भी आप फॉर्म फिल कर रही हैं बड़े खुशी के साथ, अभी आपकी वो फिजिकल होगी, आपने दौड़ना भी होगा, आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए? जी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल पहले भी किया था तो मैं रह गई थी। अच्छा आप में वो चीज़, अभी देखें बंदा तो बड़ी जल्दी डिसहार्ट हो जाता है, एक मरतबा नहीं हुआ, आप दूसरी मरतबा भी आ गई 2 साल के डिफरेंस के साथ। जी बीच में वैकेंसीज आती रही हैं लेकिन कम इशू नहीं होते हुए, तो अब इस दफ़ा हुए हैं, तो मैं फाइनली आज फॉर्म लेके सबमिट करनी पुलिस की जॉब है। नाज़रीन ये देखिए वो 2 साल का डिफरेंस, लोग 2 साल में कुछ और भी कर सकते हैं लेकिन उनमें वो पैशन है, वो कहती है करनी है तो पुलिस ही की नौकरी करनी है, और उनका वो पैशन को सलाम है, और इंशाल्लाह यही हमारी जो बेटियां बहनें हैं ये हमारी कौम को सर्व करेंगी, आप देखेंगे ये हर जगह आगे आगे होंगी अपने मेल जो उनके साथ ऑफिसर्स हैं उनके साथ। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त किला गुजर सिंह के बाद कुछ वालदैन भी मौजूद हैं, कुछ ऐसे वालदैन जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके बच्चे अंदर फॉर्म जमा कराने गए हैं, पुलिस में भर्तियां जो आई हैं, पुलिस में जो नौकरी के ख्वाहिशमंद नौजवान हैं उनके वालदैन मौजूद हैं, और ख़ासकर फीमेल्स मौजूद हैं, हमारी कौम की बेटियाँ भी पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं। आइए मेरे साथ कुछ वालदैन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे तासुरात रखते हैं इस बारे में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी आप किसका फॉर्म जमा कराने आई? बेटी का जमा कराने। माँ जी बेटी का फॉर्म वो भी पुलिस में? और बेटियां तो करन गया थे, एक काम भी नाले होना है, बेटियां भी करन गया, बेटे भी करन गया, मतलब बेटियां ना भी, बेटियां ना भी होना जरूरी है, होना जरूरी है, उन्होंने तो पढ़े लिखा के काम आया गया, जिंदो कुछ करन भी ना। बिल्कुल सही गल, फिर की मतलब तुसी चाहंदे हो कि तुम्हारी बेटी भी पुलिस चाहे कौम की खिदमत करे, खिदमत करे हुकूमत की मेहरबानी होगी इंशाल्लाह। माँ जी अल्लाह खैर करे, मेरिट बनेगा, प्रॉपर प्रोसेस होएगा, मेरिट इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी पढ़ती होगी। माँ जी कि फॉर्म जमा कराना है? बेटे का। माँ जी बेटे पुलिस से क्यों भर्ती कराना है? बस शौक है मेरा। बेटा पढ़ा हुआ कितने? 12 पढ़ा हुआ, तो डर नहीं लगेगा बेटा रोडों पे ड्यूटियां करेगा, और उसमें ये पुलिस की ड्यूटी तो इस तरह की ड्यूटी है, तो हमारी हिफाजत कर रहे हैं ना, तो जाहिर है हम भी अपने बच्चों को यही कर रहे हैं। ख्वाहिश है नाज़रीन, देखें आप लोग कह रहे हैं कि हर वालदैन की ख्वाहिश है कि उनके बच्चे इस कौम को सर्व करें, ये पंजाब पुलिस को सर्व करें, लोगों की हिफाजत करें। माँ जी बहुत शुक्रिया आपके जज्बे को सलाम।
नाज़रीन ये देखें आपके जो हमारी कौम की बेटियां हैं, ये जो फीमेल कॉन्स्टेबलान के लिए जो भर्ती आई है उसमें ख्वाहिशमंद है, ये बेटियां भी इस कौम को उतना ही सर्व करना चाहती हैं जितना इस कौम के बेटे सर्व करना चाहते हैं। अभी यहां पे इनकी तलाशी ली जा रही है, इसके बाद ये लाइन के अंदर जाएंगी, फॉर्म सबमिट कराएंगी, उसके बाद इनका फिजिकल होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इट्स रियली एन ऑनर, आपने टाइम दिया सर, बहुत शुक्रिया। सर मेरा क्वेश्चन बड़ा सीधा सा आया, क्योंकि पंजाब लाहौर की भर्ती, तमाम नौजवान जिनके पास डोमिसाइल है लाहौर का, लाहौर पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, सर मुझे सिर्फ इतना बता दें आपकी जो बातें होंगी वो गाइडलाइन होंगी, वो पैरामीटर्स होंगे, सबसे पहले बताइएगा इस पूरी भर्ती में क्राइटेरिया क्या है, कितना कद होना चाहिए, कितना जेंट्स है उसका 5 फुट 7 इंच कद होना चाहिए और 33 उनकी चेस्ट होनी चाहिए और जब वो फुलाएं तो 34 1/2, ठीक हो गया। लेडीज का 5 फुट 2 इंच उनकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट कर, ठीक है। अब मुझे ये बताएं सर कि इसमें कोई कमी बेशी चल सकती है? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल सकती। अच्छा ये जो हमारे पास दौड़ है, ये जो हमने रनिंग करनी होती है सर, उसका क्या क्राइटेरिया है? उसके जी आपको 7 मिनट में 1 मील करना होता है। अभी उसमें ये है कि अभी जो इनके फॉर्म जमा होंगे ना, फॉर्म जमा होने के बाद फिर ये इनकी पूरा कंप्यूटराइज हो रहा है हर चीज। अच्छा, कंप्यूटराइज चीज होगी, उसमें देखेंगे कि एज का जो फॉर्म लेके जा रहे हैं वो 18 से 22 साल एज है, कोई इसमें कमी बेशी नहीं हो कोई सकती। कमी बेशी नहीं, जो होगा वो एक अलहदा टीम स्क्रूटिंग की बैठी है वो। अच्छा। करेगी, उसके बाद एक लिस्ट इशू होगी, उसके बाद होगी कद छाती, ठीक है, कद छाती नापने के बाद फिर उसमें से एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट के बाद फिर एक दौड़ की लिस्ट निकलेगी जो फिर वो दौड़ लगाने जाएंगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? 26 तारीख तक आप फॉर्म ले भी सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं। फॉर्म मिलेगा किधर से? फॉर्म इधर पुलिस लाइन से मिलेगा, हमने 15 बूथ बनाए हुए थे। अच्छा, 12, 13, 14 पहले 3 दिन हमारे 15 बूथ वर्क करते रहे, 2 लेडीज के 2 वार्डन के और 13 जनरल पुलिस के। कम से कम तलीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए? मैट्रिक, मैट्रिक होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए वो उन पर डिपेंड करता है। क्या मैसेज देंगे उन नौजवानों को जो अप्लाई करना चाहते हैं? बड़ी जी इनके ये अभी नए महकमे में आ रहे हैं, इनको है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा हमें और सीटें मिलें, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखें ना कितना रश है यहाँ पर, और आप ये देखें बड़े आराम से बैठे हैं, बिल्कुल ऐसी बात, इनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो फॉर्म है ये कहीं किला गुजर सिंह के अलावा कहीं ऑनलाइन पढ़ा हो, कहीं पढ़ा हो? नहीं कहीं नहीं, यहीं से मिलेगा? यहीं से मिलेगा जी, बिल्कुल। कोई एक ऐसा को मैसेज देना चाहिए टाइमलाइंस डेडलाइंस को फॉलो करने के लिए, जो उम्मीदवार हैं चाहते हैं ज्वाइन करना, उनको क्या मैसेज देंगे कि डेडलाइंस जो है आपकी इनको फॉलो करना? ये है कि जी हम 4 बजे तक फॉर्म तकसीम करते हैं, 4 बजे के बाद जितने भी बच्चे पुलिस लाइन में आ जाते हैं वो आगे आगे, बाकी गेट बंद के, बाकी नेक्स्ट 8 बजे फिर दौड़ किस दिन होगी इनकी? ये दौड़ का भी जब स्क्रूटिंग होगी, कद छापी पहले कद और चेस्ट का होगा, उसके बाद फिर दौड़ का। सलीम साहब बाहर हम पेरेंट्स से बात कर रहे थे, एक खातून आई, उन्होंने कहा, उन्होंने एक शिकायत की कि मैं अपने बेटे की जगह अपना फॉर्म जमा कराना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें क्या कैंडिडेट के अलावा कोई बंदा फॉर्म जमा करा सकता है? देखिए जी अगर कैंडिडेट के अलावा जमा करा सकता है, पर हम कैंडिडेट को लाजमी बुला रहे हैं। अब जब तक जो फॉर्म जमा कर रहा है वो देखेगा नहीं उसको कि भाई उसकी आंख ही नहीं है और वो फॉर्म जमा हो गया, इसलिए हमने जरा ये किया हुआ है, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि कैंडिडेट, ताकि जिस दिन फिजिकल हो उस दिन आपके पास बर्डन काम बर्डन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू। नाज़रीन हमारे पास सलीम साहब थे जो DSP हैं, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देख रहे हैं SP साहब के बाद, उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया कि आपने जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जो कमी बेशी है ना उनके जो मेजरमेंट्स पैरामीटर्स हैं उसमें बिल्कुल कोई रियायत नहीं की जाएगी, जो डेडलाइंस बताई गई हैं, जो हाइट का क्राइटेरिया, जो फिजिकल क्राइटेरिया बताया गया उसको 110% फॉलो किया जाएगा। नाज़रीन आपने हमारे इन फीमेल और मेल कैंडिडेट्स में पैशन टू सर्व द कम्युनिटी एंड पैशन टू सर्व द नेशन देखा, कि सारे के सारे नौजवान पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, शो आपके लिए किया गया ताकि आपको ये जो हमारे पास भर्ती है इसकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये पुलिस आप ही की है, आप ही से, और आप ही ने इसे रन करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।